सो गाइज, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द हंट, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। काफ़ी मज़ा आएगा आपको ये मूवी देख के। सो गाइज, चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक ग्रुप चैट में बात कर रहे होते हैं और इस ग्रुप में एक लेडी होती है जिसका नाम एथीना होता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि डेट करीब आ रही है और हंटिंग से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। बेसिकली इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग इंसानों की हंटिंग की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें एक प्राइवेट प्लेन दिखाया जाता है जिसमें कि एथीना के ग्रुप के मेंबर होते हैं। एथीना वही लड़की थी जो कि ग्रुप में बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि अनकॉन्शियस हालत में होता है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, तो वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और उस आदमी को शांत करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए लेट जाओ ताकि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। और जैसे ही वो आदमी लेटता है, वो दूसरा आदमी एक पेन से उस पर हमला कर देता है उसकी गर्दन पर, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से उसका खून बहने लग जाता है। और उसके बाद ये सारे शोर सुन के एथीना जाग जाती है। और जैसे ही वो आदमी खड़ा होता है और जैसे ही वो जख्मी आदमी खड़ा होता है, एथीना पीछे से आके उसके आंखों में सैंडल दे मारती है, जिसकी वजह से उसकी आंख बाहर आ जाती है और वो आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें जंगल में एक लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह पे बेल्ट बंधा होता है, और वो दिखती है और वो देखती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं और उन सभी के मुँह पर बेल्ट बंधा हुआ है। और सभी लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। तो पहले तो वो सभी लोग डरते हैं कि शायद इस बॉक्स में बॉम्ब हो सकता है, लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं उसमें देखते हैं तो उसमें काफ़ी लेटेस्ट हथियार होते हैं, जैसे कि गन्स, ग्रेनेड, चाकू या फिर और बहुत बड़ी मिसाइलें होती हैं या फिर और बड़े बड़े लेटेस्ट हथियार होते हैं। इसके बाद उस लड़की को एक चाबी मिल जाती है जिसकी वजह से वो सभी के मुंह में जो बेल्ट लगा होता है उसको खोल देती है। ये सारे लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं तभी अचानक से कहीं से फायरिंग चलने लग जाती है और उसमें जो लड़की होती है उसके सर में आके पहली गोली लग जाती है और वो लड़की की वहीं में मौत हो जाती है। और ये देख के एक आदमी उन पर रिवर्स फायरिंग करने लग जाता है, लेकिन वो गोलियां एक बंकर से चल रही होती है जिसकी वजह से उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये सब देखकर एक लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो भागने लग जाती है, और जब भागते भागते वो एक काफ़ी बड़े गड्ढे में गिर जाती है। और जब दूसरा आदमी उसको बचाने के लिए जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी बॉडी एक काफ़ी बड़े स्पाइक्स में घुस चुकी है। उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्पाइक्स घुस चुके हैं और वो मरने की हालत में, तो काफ़ी बड़े बड़े कीले उसकी बॉडी के आर पार हो चुकी हैं। और जब वो आदमी उस लेडी को वहाँ से निकालता है और अपने साथ ले जाने लग जाता है, तभी उसका पैर गलती से एक माइन पर पड़ जाता है और वो माइन ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें कि वो आदमी पूरी तरह से फट जाता है। लेकिन वो लड़की फिर से उस गड्ढे में चली जाती है। लगता है कि गड्ढे को लड़की से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया है। खैर, इस ब्लास्ट में उस लड़की की आधी बॉडी बचती है क्योंकि नीचे का पार्ट होता है वो पूरी तरह से ब्लास्ट में ख़त्म हो चुका था। और तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आता है उसकी मदद के लिए, लेकिन वो लड़की उससे गन लेके अपने आप को शूट कर लेती है क्योंकि उसके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आदमी वहाँ से भागने लग जाता है और तभी उसको वहाँ पे तीन और आदमी मिलते हैं। ऐसे ही वो चारों लोग बाउंड्री क्रॉस करने लग जाते हैं, तभी उनका एक साथी एक बूढ़ा आदमी पीछे छूट जाता है। और जैसे ही वो आदमी बॉर्डर फिर से क्रॉस करने की कोशिश करता है, दूसरा तीर आके उसको लग जाता है और तीरों की बौछार हो जाती है उस पर। वो डिसाइड करता है वो वापस जाएगा और उनसे रेवेंज लेगा, लेकिन जैसे ही वो वापस जाता है एक और तीर उसकी गर्दन में आके लग जाता है और वो आदमी वहीं गिर जाता है। और वो हंटर्स दो ग्रेनेड उसके पास फेंक देते हैं जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और दूसरे सीन में वो तीनों सर्वाइवर एक शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े कपल होते हैं जो कि इस शॉप के ओनर होते हैं, और उनमें से एक सर्वाइवर की उन बूढ़े कपल के साथ बहस हो जाती है किसी बात पर। और तभी उनकी एक जो साथी होती है वो वहाँ पे रखा हुआ केक खा लेती है और जिसमें कि पॉइजन होता है, वो अचानक से चोकिंग करने लग जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जो बूढ़े कपल थे शॉप के ओनर, उन्होंने मास्क पहन लिया है और वो पूरी शॉप में एक पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से वो तीनों की मौत हो जाती है वहीं पे। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चलता है कि वो जो शॉप के ओनर थे, बूढ़े कपल थे, वो भी उन हंटरों के साथ मिले हुए हैं और यहाँ पर शिकार करने आए हुए हैं। उसके बाद वो अपने शॉप को पूरी तरह से क्लीन करते हैं और डेड बॉडी को किनारे लगा देते हैं ताकि वो फिर से दोबारा से अपने शिकार कर सकें। और उसके बाद वो अपने नेक्स्ट शिकार का तलाश, और उसके बाद वो अपना अगला शिकार का वेट करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, ये हमारी मूवी की प्रोटैगनिस्ट है, ये मेन कैरेक्टर है। तो इस लड़की का नाम क्रिस्टल होता है। उसके बाद वो उन बूढ़े कपल से एक सीक्रेट मांगती है, और जब वो लोग उसको एक्सचेंज पैसे देते हैं तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और उन दोनों बूढ़े कपल को गोली से उड़ा देती है बहुत ही बुरी तरह। बूम बे बे।
और जब क्रिस्टल शॉप के बाहर आती है तो वहाँ पे उसको एक कार दिखती है, और जब वो उस कार का नंबर प्लेट रिमूव करती है तब उसे पता चलता है कि जो लोकेशन उसको बताई गई थी वो कोई और लोकेशन है। उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो किस जगह पे किस लोकेशन पे है। और उस ट्रक में एक वायर भी होता है जो कि ग्रेनेड से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब जो भी उस ट्रक का गेट खोलेगा बैठने के लिए और चलाने के लिए वहाँ से भागने के लिए, और तभी वो ब्लास्ट में मारा जाएगा। तो एक तरह से ट्रैप होता है। उसके बाद क्रिस्टल को एक आदमी मिलता है जिसका नाम गैरी होता है, वो भी एक सर्वाइवर होता है। तो वो उसे बताती कि इस ट्रक में ट्रैप लगा हुआ है, इसको छूना मत। वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और तभी उनको एक ट्रेन दिखती है जो कि वहाँ से क्रॉस हो रही होती है। तो और वो दोनों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ पे उनको कुछ रेफ्यूजीज़ भी दिखते हैं। तो गैरी बोलता है कि ये रेफ्यूजीज़ नकली हैं, ये उन शॉप ओनर की तरह नकली रेफ्यूजीज़ हैं, हमें इनको मार देना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल उसकी बात नहीं मानती, वो किसी को भी नहीं मारती है। और जब ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे कुछ सोल्जर आते हैं उनको बचाने के लिए, और तभी उन रेफ्यूजीज़ में से एक रेफ्यूजी गैरी के पास आता है और उससे बताता है कि तुम सच बोल रहे थे, मैं हंटर की तरफ से आया हूँ, मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक हंटर भी हूँ। और ये सारी बातें सुन के गैरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसका ग्रेनेड छीन के उसकी पैंट में डाल देता है, जिसकी वजह से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो रेफ्यूजी उसमें मारा जाता है। फिर वो सोल्जर क्रिस्टल को अपने साथ एक कैंप में ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो भी एक सर्वाइवर होता है और उनके हंटरों से बच चुका होता है। तो वहाँ पर अगेन एक आदमी आता है उन दोनों को बचाने के लिए। जब वो उनको कार से ले जा रहा होता है तो वो हंटरों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाता है, बोलता है कि वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, एक बुरे लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों से क्रिस्टल को उस पर काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है और वो लातों से मार के उसको कार से बाहर ढकेल देती है। और जैसे ही वो आदमी रोड पर गिरता है वो कार खुद चलाने लग जाती है और उस पर कार चढ़ा देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन उसके साथ जो दूसरा सर्वाइवर होता है वो उस पर गुस्सा होने लग जाता है, कहते हैं कि तुमने इसको क्यों मार दिया, ये हमारा आखिरी ऑप्शन था, ये हमें बचाने ले जा रहा था। और क्रिस्टल उसको गाड़ी का डिक्की खोल के दिखाती है जहाँ पे गैरी की लाश होती है। तो ये देख के वो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है ये आदमी भी हंटर के साथ मिला हुआ था। और उसके बाद वो सर्वाइवर उसे बोलता है कि जितने भी लोग यहाँ पर सर्वाइवर आए हुए थे वो सभी मारे गए हैं, बस खाली मैं और तुम बचे हुए यहाँ पे। ये सुन के क्रिस्टल बोलती कि मैं उन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी जिन लोगों ने ये मेरे साथ ये काम किया और जिन लोगों ने और सभी लोग को मारा है। और वो उसको एक कहानी भी सुनाती है जो कि होती है खरगोश और टर्टल की। हमने बचपन में जो कहानी सुनी है खरगोश और टर्टल की, उसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। वेल, नेक्स्ट सीन में हमें वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ से फायरिंग हो रही थी। वहाँ पे बंकर में दिखाया जाता है कि कुछ लोग हैं जो कि एथीना के साथ हैं, एथीना के ग्रुप मेंबर हैं, और वहाँ पे उनका एक ट्रेनर भी है जो कि यूएस आर्मी में था पहले, जिसने कि इन लोगों को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी थी ताकि वो काफ़ी अच्छे से इन सभी लोगों का शिकार कर पाए। और उसके बाद क्रिस्टल और बूढ़ा आदमी उनके लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो एक पिक को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। पहले तो वो लोग समझते हैं कि ये कोई उन पर हमला हो रहा है, तो सभी लोग उस पिक के ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्रिस्टल उन पर हमला करती थी और एक एक करके सभी हंटरों को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है, क्योंकि वो भी एक यूएस आर्मी में थी, एक यूएस आर्मी में सोल्जर थी। उसके बाद उसकी फाइट होती है और उसके बाद उनका जो ट्रेनर होता है वो क्रिस्टल पे हमला कर देता है, और जैसे भी करके काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच में फाइट चलती है। उसके बाद क्रिस्टल उसको भी जख्मी करके नीचे गिरा देती है। और तभी उसको एक फ़ोन कॉल आता है वहाँ पे, और तभी उस बंकर में एथीना की कॉल आती है। वो उस बूढ़े आदमी से बोलती है कि तुमने क्रिस्टल को मारा या नहीं। बेसिकली वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि क्रिस्टल को उस बूढ़े आदमी पर शक हो जाए और वो सोचे कि ये बूढ़ा आदमी भी उनके साथ मिला हुआ है, इसके पहले कि वो बूढ़ा आदमी अपने आप को प्रूव कर पाता और क्रिस्टल उसको कोई मौका देती। क्रिस्टल उसको भी बुरी तरह से मार देती है, क्रिस्टल उसको भी गोली से शूट करके मार देती है। और लास्ट में क्रिस्टल उस ट्रेनर से एथीना का लोकेशन पूछती है और लोकेशन जानने के बाद वो उस ट्रेनर को भी बुरी तरह से मार देती है। और नेक्स्ट सीन में हमें एक साल पहले का सीन दिखाया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग एक्चुअल में क्यों हंटर बन गए, क्यों ये लोग लोगों का शिकार कर रहे हैं बिना किसी मतलब के। वेल, यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग जो मूवी की स्टार्टिंग में ग्रुप चैट में बात कर रहे थे लोगों को हंटिंग के बारे में, वो एक प्रैंक था। वो सच में कोई हंटिंग नहीं करने वाले थे, लेकिन उनके इस ग्रुप चैट को किसी ने लीक कर दिया था, किसी ग्रुप मेंबर ने लीक कर दिया था। उसकी वजह से इन लोगों की, जिसकी वजह से एथीना और उसके ग्रुप मेंबर की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई थी और उन सभी लोगों को जॉब से भी निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन 11 लोगों को छोड़ेंगे नहीं जिन लोगों ने इनकी चैट को लीक किया है, और उन 11 लोगों को प्रिजनर बना के वो लोग हंट करके मारेंगे। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली क्रिस्टल एथीना के घर पर पहुँच चुकी है। वो उसके गेट के बाहर खड़ी होती है और अंदर से एथीना का कॉल आता है उस पर। वो बोलती कि तुम्हें सारे हथियार बाहर छोड़ के आने होंगे, नहीं तो मैं वहाँ पे पूरी तरह से तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगी। तो क्रिस्टल सारे हथियार छोड़ के एथीना से अंदर घर के मिलने जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि एथीना कुकिंग कर रही होती है
और अथीना उसे बोलती है, उसका मजाक उड़ाती है कि वो उसकी फैमिली मेंबर के बारे में जान चुकी है, वो कौन है। बेसिकली यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रिस्टल एक सोल्जर होती है, एक यूएस आर्मी में होती है, और क्रिस्टल ने सभी लोगों को मार दिया था। और इसके बाद क्रिस्टल अथीना से बोलती है कि वो जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही है वो क्रिस्टल नहीं है, और वो उसको छोड़ेगी नहीं। इसकी काफ़ी घमासान फाइट होती है जिसमें कि दोनों ज़मीन में गिर जाते हैं और उसके बाद अगेन वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं, और लास्ट में किसी तरह से क्रिस्टल अथीना को चाकू घोप के मार देती है। और वहाँ पे वो देखती है कि एक रैबिट आया हुआ है अथीना के पास, और यहाँ पे उसकी जो स्टोरी होती है टर्टल और रैबिट वाली, खरगोश और टर्टल वाली, वो कहानी प्रूफ हो जाती है। एक्चुअल में क्रिस्टल जो होती है वो टर्टल होती है, और अथीना जो होती है वो रैबिट होती है। इसके बाद क्रिस्टल वहाँ पे उठती है और अथीना का बनाया हुआ खाना खा के और वहाँ पे उसका ड्रेस पहन के वहाँ से निकल पड़ती है, और उसके बाद वो अथीना के प्राइवेट जेट में भी जाती है और वहाँ पे पायलट से टेक ऑफ करने के लिए बोलती है। वेल, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। काफ़ी बेहतरीन मूवी थी, काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देख के। आई एम श्योर आपको ये वीडियो देख के भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर थोड़ा सा भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी की स्टोरी लेके। पीस आउट।